खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना नवीन मॉडर्न श्रावस्ती इलाके की है, जहां पर दो घरों में मातम पसर गया। आपको बता दें, एक ही बाइक पर सवार होकर मामा और भांजे बलरामपुर की तरफ जा रहे थे, तभी जब वो महामाया डिग्री कॉलेज के पास पहुंचे, तभी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें मामा संतोष गौतम निवासी भयापुरवा लालपुर खदरा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार भांजा दिव्यांश गंभीर रूप से घायल हुआ। दोनों को आनन फानन इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 28 वर्षीय संतोष गौतम पुत्र राम कुमार गौतम निवासी भयापुरवा लालपुर खदरा को मृत घोषित कर दिया, जबकि 22 वर्षीय दिव्यांश पुत्र राम निवास खरगोदा गणेश को आनन फानन जिला अस्पताल बहराइच रेफर किया गया। वहीं घटना की जानकारी पाने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी, साथ ही बाइक को कब्जे में ले लिया गया। आपको बता दें, बहराइच जनपद में पहुंचते ही 22 वर्षीय दिव्यांश ने भी दम तोड़ दिया, डॉक्टर उसे भी बचा नहीं पाए। ऐसे में दोनों परिवारों में मातम पसर गया। जब दोनों परिवारों को इसकी घटना की जानकारी हुई तो दोनों परिवारों के परिजनों में काफ़ी मातम पसरा। दोनों परिवारों का रो रोकर बुरा हाल है। श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती इलाके के महामाया डिग्री कॉलेज के पास का यह पूरा मामला। दिव्यांश 22 साल का जो लड़का था, सनाव राम निवास, वो लाया गया यहाँ पे, जिसकी हालत बहुत सीरियस थी और उसको तुरंत ही बहराइच रेफर किया गया। जैसा मौत भी हुई किसी की? उसके साथ एक और पेशेंट था जो ब्रॉड डेड था, एम्बुलेंस से उतारते उसको देखा गया तो वो उसकी पल्स और उसका हार्ट बीट वगैरह कुछ मिल नहीं रहा था, उसको इसको यहाँ डिक्लेयर किया गया डेथ हो गई। जानकारी मिली डॉक्टर साहब कुछ कि लड़का कहाँ कहाँ जिसकी मौत हुई है? ये लोग लालपुर खदरा बता रहे हैं और एक बच्चा जो रिफ़र किया गया उसका खरगोदा गणेश बता रहे हैं।